एक हमारी ऑडियंस है जो कि अदर डोमेन में काम अदर फील्ड से ग्रो करती है, जैसे आपने बताया मैं मैकेनिकल से था एंड आईटी में एंट्री ली थी. व्हाट इज डेटा इंजीनियर? सो एक दिन में कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, बहुत ज्यादा. हम गूगल पे यूज करते हैं तो इट्स ऑल डेटा. हम डेटा ही तो भेज रहे हैं, डेटा ही तो हमें मिल रहा है. डे टू डे लाइफ में क्या काम होता है डेटा इंजीनियर? लाइक एग्जाम्पल के साथ समझाओगे? मैं बोलता हूँ कि निखिल ने कल क्या काम किया था. एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वो देख सके रिपोर्ट में, जिससे वो बिजनेस उनको डिसीजन लेने में आसानी हो. ये जो काम किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है ये, मतलब इसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत पड़ती है या नहीं? जी जी बिल्कुल, कोडिंग की जरूरत पड़ती है. हमारा जो कोड रहता है वो पाइस्पार्क में भी रहता है. अगर कि कोई बनता है जिसको डेटा इंजीनियर बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि उसको कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आती है तो डेटा इंजीनियर बन सकता है या नहीं बन सकता? डेटा इंजीनियर को SQL में प्रो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके टेन स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा इंजीनियर इन 2024. हमारी ऑडियंस को डेटा इंजीनियर बनना है, टूवर्ड्स क्या होने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड कर दें? तो एज अ डेटा फैक्ट्री SQL, Excel, SSIS, ये चार चीजें जरूरी हैं. आज तक मैंने कोई कोर्स परचेस नहीं किया, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं किया. मुझे लगता है इवन मैं कहीं फंसता भी हूं तो आई यूज यूट्यूब. EY की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? मैंने देखा कि कॉम्पनसेशन में कुछ खास इंक्रीमेंट या चेंज आ नहीं रहा. चैलेंजेस क्या थे इस जर्नी में आपके, मतलब आपने कितने रिजेक्शन फेस किए थे? प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट में नहीं होती है तो करेक्ट, उस जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताओ. स्किल सेट नहीं मैच करने की वजह से वो CV शॉर्ट लिस्ट नहीं होती थी. बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे भी हुए कि आई विल गेट बैक टू यू सून. कंपनी पॉलिटिक्स क्या होती है या नहीं होती उस टाइम पे, कि नहीं यार इस बंदे को ना ये जा रहा है, इसको ना सारा काम इसी को दे दो, यही करेगा. मैनेजर के कॉल आने शुरू हो गए, और जब मैं बोला कि मेरे को बेटर पैकेज, बेटर कंपनी मिल रही है, तो उन्होंने बहुत डिमोटिवेट करने के लिए मेरे को बोला, अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस ही कितना है और अभी पैसे के पीछे मत भागो. आपका कौन सा कॉलेज था? Tier 3 कॉलेज था, Tier 2 कॉलेज था, Tier 1 कॉलेज था? और वो मैटर करता है कंपनी में लैंड करने के लिए नहीं करता? भैया मैं डेटा इंजीनियर बन तो जाऊँ, मेरा बनने का बन भी है, जी मैंने पूरा कोर्स कर लिया, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज तो निकलती नहीं है भैया, मैं कैसे हैंडल करूँ फेस? बट आपको ये नहीं लगता कोई कंपनी अपना डेटा ChatGPT को क्यों देगा? GPT के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं जो कि कंपनी ओन्ड भी रहेंगे, as you know, जो कि जो डेटा सेंटर्स है वो कंपनी ओन्ड रहेंगे, तो इसके लिए भी ChatGPT काम कर रहा है. और हाय निखिल, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकसीट इंजीनियर पे. कैसे हो आप? हाय गौरव, अच्छा लगा आपसे मिलके. मैं बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. तो आपसे मुलाकात हो रही है काफी दिनों बाद. हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी. आप डेटा इंजीनियर फील्ड में हो एंड हमारी ऑडियंस चाहती थी कि डेटा इंजीनियर के ऊपर एक पॉडकास्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें उस फील्ड में जाना है. तो आपकी आज जर्नी के बारे में बात करेंगे, आपके कॉलेज बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, कहाँ से किया, आपकी ब्रांच के बारे में बात करेंगे, कौन सी ब्रांच रही थी आपकी, एंड देन उसके बाद आप डेटा इंजीनियर मूव किए थे. तो ये स्टेज आज आपका है, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओगे. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओवर टू यू निखिल, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हो. इंजीनियरिंग फील्ड मैंने चूज किया था 12th के बाद, और मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है. और मैं कॉलेज डेज में बहुत ही कोर कंपनी करना चाह रहा था, बट आइडियली जो लाइफ मुझे IT सेक्टर में इन्फ्लुएंस हुई, जो कि मेरे सीनियर्स ने बताई कि बहुत अच्छी है, तो उस वजह से मैं इन्फोसिस, जो कि फर्स्ट कंपनी थी मेरे कॉलेज की, मैं वहाँ पे प्लेस हुआ. और अपनी जो जर्नी है वहाँ इन्फोसिस से, मेरी जो फर्स्ट कंपनी है वहाँ से स्टार्ट की. जैसा कि हम जानते हैं इन्फोसिस में सब ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आते हैं और सीखते हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू द टॉप लेवल. तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई इन्फोसिस में वो पहले पाइथन और बेसिक SQL से हुई. फिर मेरे को जो स्ट्रीम मिला वो मुझे .NET मिला. उसके बाद फिर मेरे को जो पहली प्रोजेक्ट मिला वो इन्फोसिस में, वो एक तरह से हम कह सकते हैं ETL डोमेन में मिला, जिसमें मेरा स्किल सेट था SSIS, SQL और SSRS, ये तीन पे बेस्ड था. और मुझे अभी तक टोटल 5.5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3 साल के करीब इन्फोसिस का है. उसके बाद मैंने कंपनी चेंज की, मैं अभी करंटली EY में हूँ एज ए सीनियर कंसल्टेंट,
एज ए सीनियर डेटा इंजीनियर, और मैं इस समय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और उसके सारे जो फीचर्स हैं डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, PySpark, डेटा ब्रिक्स, एज्योर डेटा फैक्ट्री, SQL, SSIS, ये सब चीज़ों पे अभी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए मुझे, इसलिए मैं और चाहता हूँ कि और डिस्कस करो इस चीज़ पे हमारी ऑडियंस से जो कि अदर डोमेन में काम, अदर फील्ड से बिलोंग करती है। जैसे आपने बताया मैं मैकेनिकल से था एंड ITI मैंने एंट्री ली, बहुत सारे लोग हैं जो सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, नॉन ITI बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड वो ITI में जाना चाहते हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है ये पॉसिबल है या नहीं है, वो तो निखिल बताएंगे आज के पॉडकास्ट में कितना पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बॉस क्वार्टर के बारे में बता देता हूँ। रिसेशन के टाइम में जॉब मिलना और स्विच करना बहुत हार्ड हो जाता है, स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री में जो हमेशा कॉम्पिटेटिव एंड डिमांडिंग रहती है, तो इसमें खुद को अपस्किल करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड अगर आप आज के टॉप टेक जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग में खुद को अपस्किल करना चाहते हो तो बॉस क्वार्टर अकेडमी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि बॉस क्वार्टर के इंस्ट्रक्टर इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल हैं जो फेसबुक, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। बॉस क्वार्टर में आपको 1-to-1 मेंटर भी किया जाएगा जिसमें कैरियर एडवाइस, मॉक इंटरव्यूज, जॉब प्लेसमेंट एंड आपके जो कंसर्न्स होंगे उनको भी एड्रेस किया जाएगा, और तो और ये आपको अपस्किल करवा के 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएंगे। ऑब्वियसली ये आप लोगों की मेहनत पे भी डिपेंड करता है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी भाई उतने अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। बॉस क्वार्टर के थ्रू 1000 प्लस लर्नर्स टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, Flipkart में प्लेस्ड हो चुके हैं। इनके प्रोग्राम में आपको SQL, डेटा विजुलाइजेशन टूल से लेकर ML, डीप लर्निंग एंड DSA सब कवर होता है। एंड लास्ट में इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट के थ्रू आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें आप रिलेवेंट डेटा के साथ काम करोगे। यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशन के साथ साथ लाइफ टाइम रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेस भी मिलेगा। यहाँ पे आपको 14 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड भी मिलेगा। वो क्या होता है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा विच इज कम्प्लीटली रिफंडेबल आफ्टर 14 डेज फ्रॉम बैच स्टार्टिंग डेट। तो फिर वेट किस बात का, डू चेक आउट बॉस क्वार्टर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। एक चीज बताओ, आपकी जर्नी कैसी रही मैकेनिकल से ITI वाली, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि भाई मजा आ गया कि मैंने बहुत सही डिसीजन ले लिया ITI में आके, मैकेनिकल में नहीं गया तो बहुत अच्छा किया, क्यों और नहीं गए तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अच्छा किया मैंने मैकेनिकल में नहीं गया तो? जी, जो कि पहला आपका सवाल था कि मैं ये बताऊं कि मेरी जर्नी कैसी थी, जो स्विच था मैकेनिकल से ITI इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल ही राइट डिसीजन था मेरा लाइफ का, और जो कि सही समय पे मैंने लिया और मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, जो भी बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि जो ट्रांसफ़र होगा मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ITI में या फिर इलेक्ट्रिकल में से जो बच्चे आ रहे हैं, जो ITI में आना चाहते हैं, वो अगर इन्फोसिस आप कंपनी ज्वाइन करो या विप्रो ज्वाइन करो या ऐसी कंपनीज जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा हर चीज़, जिस पे भी आप काम करने वाले हों उसके बारे में वो अच्छे से आपको पहले तैयार करेंगे, फिर ही आपको एक प्रोजेक्ट असाइन करेंगे। तो बिल्कुल भी जिन बच्चों के दिमाग में ये डाउट है या फिर कोई भी भरम है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि जो डिसीज़न वो लेना चाहते हैं कि ITI में काफ़ी टफ होगा उनके लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो निश्चिंत हो जाएं, अगर आपको कंपनी ने हायर किया है तो बिल्कुल आपके अंदर काबिलियत होगी, तभी आपको हायर किया है, और एकदम खुश होकर ज्वाइन करें और अपना करियर अच्छे से अच्छा बनाएं। ITI इंडस्ट्री इज वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन। ओके, मेरा क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज डेटा इंजीनियर? सो डेटा इंजीनियरिंग एक सब डोमेन है मशीन लर्निंग और एक डेटा साइंटिस्ट का। डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली डील्स जो कि डेटा रिलेटेड काम है, जो कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, जो कि सब लोग जानते हैं, और डेटा ही हर जगह फ्लोट कर रहा है। इवन हम जो बात कर रहे हैं वो भी डेटा पैकेट्स में ही मूव हो रहा है। डेटा हर जगह है, हमारी वॉशिंग मशीन जो डेटा सेंड कर रही है, जो AC, रेफ्रिजरेटर, जो भी AI से है, सब डेटा ट्रांसफर हो रहा है और इधर उधर फ्लो हो रहा है। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए एक फील्ड बनाई गई है, उसका नाम है डेटा इंजीनियरिंग। तो डेटा जो कि इंडस्ट्री में फ्लोट होता है, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री का ले लें कि ITI इंडस्ट्री ही ले लें,
तो जितने भी, या फिर बैंकिंग सेक्टर है फॉर एग्जांपल, लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, तो एक दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, बहुत ज़्यादा, हम गूगल पे यूज़ करते हैं, तो इट्स ऑल डेटा, हम डेटा ही तो भेज रहे हैं, डेटा ही तो हमें मिल रहा है, हर जगह डेटा ही तो फ्लो हो रहा है। तो हमारी अगर बैंकिंग सेक्टर लें तो कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं, आपका नाम है, वो भी एक डेटा है, तो उसी डेटा को बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना जिससे कि बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, वो इस डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के थ्रू किया जाता है। इसका एक पार्ट और है ETL, जो कि हम एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड के, जो जानते हैं हमारे ऑडियंस भी जानती होगी इस बारे में, जो कि एक्सट्रैक्ट कहीं से भी, जैसे समझ लो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है आज के मार्केट में, जैसे CSV फाइल हो गई, SQL हो गया, NoSQL हो गया, Salesforce डेटा है, या फिर कोई CSV है, JSON है, XML है, तमाम तरीके के डेटा हैं, उनको एक जगह लाना, उनको बिजनेस लॉजिक्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना, उन्हें स्टोर करना, और उन्हें बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट्स बनाना जो कि हम शेयर कर सकें और हमारे बिजनेसेस को आगे बढ़ाया जा सके, ये सब डेटा इंजीनियरिंग डोमेन के आता है। ओके, डे टू डे लाइफ में क्या काम होता है डेटा इंजीनियर का, एक एग्जांपल के साथ समझाओगे? मैं बोलता हूँ कि निखिल ने कल क्या काम किया था या परसों का क्या काम किया था। अगर हम एक दिन का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम एक स्प्रिंट का बात करते हैं, वो इजी होगा हमारे ऑडियंस को समझने को। जैसे कोई एक स्प्रिंट है तो उसमें कोई एक जीरा स्टोरी असाइन हुई जिसमें हमें ऐसी एक पाइपलाइन बनानी है जिसमें बिजनेस को एक रिपोर्ट हर वीक या फिर हर मंथ जानी चाहिए जिसमें वो एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वो देख सके रिपोर्ट में जिससे वो बिजनेस उनको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो इसके लिए हम समझ लो फॉर एग्जांपल एक्स रिपोर्ट उन्हें भेजनी है जो कि बैंकिंग डोमेन का है, तो उसके लिए जो स्टोरी रहेगी वो ऐसी रहेगी, बिजनेस वांट्स टू गेट द एक्स रिपोर्ट विद दिस 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 रिक्वायरमेंट्स विच शुड रिसीव टू देम वाया पावर बी आई डैशबोर्ड लिंक एंड इट शुड बी रिफ्रेश्ड एवरी वीक एंड दे शुड गेट इट ओवर एन ईमेल। सो ये रहेगा रिक्वायरमेंट और जो भी हमें पाइपलाइन के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी रहेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें एक वो डिपेंड करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा डेटा है कहाँ जो कि बिजनेस को चाहिए। अगर डेटा वो है तो ठीक है, वरना बिजनेस रूल भी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रांसफॉर्म करना रहेगा डेटा। तो सपोज लो हमारा डेटा स्टोर है किसी CSV में या एक्सेल में, तो वो फाइल कहाँ पे बिजनेस भेजता है रोज वो पता करना पड़ेगा, उस फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट Azure के थ्रू या फिर किसी भी, मतलब समझ लो Azure डेटा ब्रिक्स है तो PySpark के थ्रू, या फिर मतलब वो किस पाइपलाइन में फिट होता है या फिर रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की उसके अकॉर्डिंग। तो हमें कुल मिला के एक पाइपलाइन जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें डेटा जो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा समझ लो CSV फॉर्मेट में है तो वहाँ से आएगा, उसे PySpark के लॉजिक से उसको एक्सेस करके जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट में वो फाइल प्रेजेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे PySpark के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस लगाएंगे जो भी रूल्स हैं उसको, फिर एक CSV फाइल जो कि रिपोर्ट फॉर्मेट में रहेगी वो पुश बैक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट Azure अकाउंट में, स्टोरेज अकाउंट में, वहाँ से हम पावर बी आई डैशबोर्ड का लिंक बना के वहाँ पे उस पावर बी आई डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे एज पर बिजनेस रूल, वो लिंक हम शेयर करेंगे बिजनेस के साथ, फिर वो पाइपलाइन को हम शेड्यूल भी करेंगे जो कि बिजनेस चाहता है, वीकली रिपोर्ट है, तो दिस सॉर्ट ऑफ वर्क विल बी डन थ्रू आउट। ओके, तो ये जो काम किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है, ये मतलब इसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? जी बिल्कुल, कोडिंग की जरूरत पड़ती है, हमारा जो कोड रहता है वो PySpark में भी रहता है, डिफरेंट पाइथन की लाइब्रेरीज को भी यूज करना पड़ता है जैसे NumPy, पांडा, और हम कोडलेस भी जा सकते हैं, जैसे हमारी कुछ पाइपलाइंस है वो Azure डेटा फैक्ट्री में भी है,
तो एज अ डेटा फैक्ट्री एज यू नो कोडलेस भी काम कर सकता है बिकॉज सबके टास्क बने हुए हैं. सो डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया एंड द डिफिकल्टी एंड द लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें डेटा ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में पड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी यूज में है, तो हमें उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम ऐसे डेटा फैक्ट्री से भी कर सकते हैं जो कि ईजी है, जो भी पर्सन है, जो भी डेटा इंजीनियर है, अगर ज़्यादा लॉजिक नहीं है उसमें यूज, तो वो डायरेक्ट एज डेटा फैक्ट्री से भी कर सकता है. एंड शेड्यूलिंग का जो काम है, डेटा ब्रिक्स से हम शेड्यूल भी कर सकते हैं जो हमारी रिपोर्ट्स हैं. ओके. एंड अगर कि कोई बनता है जिसको डेटा इंजीनियर बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि उसको कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आती है तो डेटा इंजीनियर बन सकता है या नहीं बन सकता? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है SQL. डेटा इंजीनियर को SQL में प्रो होना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. सबसे मैंडेटरी स्किल जो कि डेटा इंजीनियर को आनी चाहिए वो SQL आनी ही चाहिए. वो भी अच्छी, अगर एक कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो ऑफ़ कोर्स एक गुड लेवल, एटलीस्ट इफ़ यू गिव ए रेटिंग फ्रॉम 10, यू शुड एटलीस्ट बी 7 or 8 एंड अबव. क्योंकि और उसके अलावा एज योर डेटा फैक्ट्री है उसके में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है. पावर BI में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है. एक्सेल भी कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एक तरह से एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. तो बेसिकली अगर कोडिंग का पार्ट यूज़ करें तो SQL आनी चाहिए, उसके अलावा मैनेजेबल है. ओके. मतलब अगर वो पाइथन वगैरह ना करे तो इट्स ओके, वो डेटा इंजीनियर बन सकता है. सो ETL फ्रेमवर्क बेसिकली अगर माइक्रोसॉफ्ट Azure साइट से डील करें तो दो तरीके से किया जा सकता है. माइक्रोसॉफ्ट Azure डेटा फैक्ट्री जो कि कोडलेस है, और Azure डेटा ब्रिक्स जो कि कोडेड है, कोडिंग यूज्ड है उसमें. उसमें हम R लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, SQL भी यूज कर सकते हैं और PySpark भी यूज कर सकते हैं. तो उसमें कोडिंग की जरूरत है. ओके. मेन स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा इंजीनियर इन 2024 आपके अकॉर्डिंग कौन सी हो सकती है? सो मेन स्किल अगर हम टॉप 3 काउंट करें तो SQL फॉरमोस्ट, सेकेंड इज SSIS भी हम थोड़ा ओल्ड है बट ETL के फ्रेमवर्क में यूज़ होता है, Azure डेटा फैक्ट्री, एक्सेल तो मीडियम मॉडरेट लेवल आना ही चाहिए. तो ये सब 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. तो रोड मैप क्या होने वाला है कि हमारी ऑडियंस को डेटा इंजीनियर बनना है, रोड मैप क्या होने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड कर दें, ये टॉपिक्स इतने पढ़ लेने चाहिए इसके बाद? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे टॉपिक्स के अंदर में जाकर बताना, बट एक टॉपिक बता दो कि ये टॉपिक स्टार्ट करो, पहला पॉइंट ये वाला, यहाँ से ये कनेक्टेड है, इसके बाद ये कनेक्टेड है एंड ये कनेक्टेड है. ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे डीपली तो आप डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए तैयार हो जाओगे, एंड देन उसके बाद आप इंटरव्यू स्टार्ट कर दो. करेक्ट. सो सबसे फॉरमोस्ट जो फर्स्ट स्टेप है डेटा इंजीनियर का वो ये है कि पहले आप डेटा एनालिटिक्स सीखो, डेटा एनालिस्ट बनो. पहले डेटा एनालिस्ट में जो 2 स्किल सबसे रिक्वायरमेंट है, एक आपको SQL अच्छे से आनी चाहिए, दूसरी है आपको एक्सेल आना चाहिए. एक्सेल मोस्ट ऑफ द लोगों को आता है जो कि थोड़े टेकी बैकग्राउंड से हैं, एक्सेल उतना ही, मतलब वी लुकअप जान लो, कॉलम्स को ब्रेक डाउन करना, कॉलम के अकॉर्डिंग रो को ब्रेक डाउन करना, फिल्टर करना, कलर कोडिंग करना, ये सब चीज़ें बेसिक लेवल की लोगों को आती ही हैं एक्सेल में. दूसरी चीज़ SQL की है. SQL में जैसे टेबल बनाना, व्यूज़ क्यों बनाते हैं, टेबल व्यू में डिफरेंस क्या होता है, टेम्परेरी व्यू क्या होता है, और ये वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, और स्टोर प्रॉप क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इंडेक्सिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये सब जो चीज़ें हैं वो कि रिक्वायर्ड है. बहुत टेम्प टेबल्स बनाना वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. स्टेजिंग टेबल का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, और क्लस्टर्स क्या होते हैं, और कैसे इंसर्ट करें डेटा, कैसे ट्रांसफॉर्म करें डेटा, स्टोर प्रॉप के थ्रू हम कर सकते हैं, केस स्टेटमेंट्स कैसे लिखें, और
शेड्यूलिंग कैसे करें एसक्यूएल स्पोर्ट प्रॉक्स की, और कर्सर क्या होता है, ये सब चीज़ें एसक्यूएल लेवल पे आनी ही चाहिए। और सीटीई कैसे यूज़ करते हैं हम, टॉप सैलरीज कैसे निकालेंगे, सेकेंड टॉप रैंकिंग क्या होता है, डेंस रैंक क्या होता है, दोज टॉपिक्स विच आर मीडियम लेवल शुड बी नोन बाय डेटा एनालिस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट है डेटा इंजीनियर बनने का, ये ETL का बेसिकली एनालिसिस पोर्शन है। और उसके बाद अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है, डेटा एनालिस का जो है प्लस आपको किसी भी एक क्लाउड के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप AWS करते हो तो भी अच्छा है, आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में घुसना चाहो तो भी अच्छा है, गूगल क्लाउड भी अच्छा है। मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में हूँ, मैं डील करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा फैक्ट्री जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। मेरा जो सोर्स रहता है, जिन सोर्सों के साथ मैं डील करता हूँ वो है CSV, JSON, XML, Excel, .dat फाइल, वो जो कि एक फिक्स लेंथ फाइल होती है, और .avro फाइल, Parquet फाइल, ये सब चीज़ों को डील करता हूँ एज़्योर डेटा फैक्ट्री के थ्रू। और जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन थिंग बेसिकली रहते हैं वो SQL में ही रहते हैं, और जो मेरा शेड्यूलिंग पोर्शन है वो भी एज़्योर डेटा फैक्ट्री से ही होता है। और डेटा ब्रिक्स के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि ये सब एज़्योर डेटा फैक्ट्री, SQL, Excel, SSIS, ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं एक डेटा इंजीनियर को तैयार होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। और अगर किसी को डीप में पढ़ना है इनके बारे में तो रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, किसी को कोई कोर्स परचेज करने चाहिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से स्टार्ट कर दो, लेकिन ने पूरा रोड मैप बता दिया। यूट्यूब मैं मेरे अकॉर्डिंग सफिशियंट है, यूट्यूब पे आपको अच्छे से सर्च करना आता। आज तक मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया किसी भी तरीके या कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है इवन मैं कहीं फंसता भी हूँ तो आई यूज यूट्यूब रेदर देन गोइंग एंड सीइंग द फुल कोर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जस्ट यूट्यूब पे कीवर्ड साइज टाइप करो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसके ऑलरेडी जो स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट है चाहे यूट्यूब है, ऑलरेडी लेक्चर्स बने हुए हैं, जो कि नहीं है वो MSDN होता है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। ओके, नहीं आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई हमारी ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कोर्स पे डिपेंड हो जाते हैं एंड समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो अब लोगों की समझ में आ गया होगा कि निखिल ने कोई कोर्स नहीं किया, डेटा इंजीनियर है फिलहाल, EY में काम करते हैं जी, और कोई कोर्स उन्होंने परचेज नहीं किया। तो निखिल इस जर्नी के बारे में मुझे और जानना आपके बारे आपकी इस जर्नी के बारे में जी, EY की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? जैसा कि आप जानते हैं मैं पहले 3 साल इन्फोसिस में था, और आप जानते हो कि कॉम्पेंसेशन इश्यूज रहते हैं जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज रहती हैं। उसके बाद मैंने देखा कि कॉम्पेंसेशन में कुछ खास इंक्रीमेंट या चेंज आ नहीं रहा है, तो मैं फिर जॉब देखना अराउंड जब भी मैंने स्विच किया उसके 6 महीने पहले देखना स्टार्ट किया था। और उस समय 6 महीने मेरे को लगे अपनी करियर को ट्रांसफॉर्म करने में और कुछ नया सीखने में और कुछ नया एड ऑन करने में। तो वहाँ से फिर मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मुझे अराउंड 3 ऑफर लेटर्स आए, एक डेलॉइट, एक कॉग्निजेंट और तीसरा EY का था, सॉरी फोर्थ, एक माइंडट्री भी था जो कि अब LTI माइंडट्री हो चुका है। और उसके और मैंने फाइनली EY चूज़ किया जो कि Big 4 है, और लाइक आई हैव सीन द वर्क लाइफ बैलेंस आल्सो बेटर हियर। ओके, एंड चैलेंजेस क्या थे इस जर्नी में आपके, मतलब आपने कितने रिजेक्शन फेस किए थे, प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होती है, तो करें उस जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताओ। सो प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग अप्लाई तो इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो बैक टू बैक बहुत सारे अप्लाईज मैं करता था, नौकरी के थ्रू करता था, लिंक्डइन के थ्रू करता था, रेफरल मांगता था, एंड फॉर्चुनेटली मेरे सब जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी हैं तो रेफरल के लिए इजी था। बट बहुत टाइम ऐसा हुआ कि रेफरल के बाद भी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, और कुछ कुछ जगह होती थी तो
स्किल सेट नहीं मैच करने की वजह से वो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती थी। बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे भी हुए कि आई विल गेट बैक टू यू सून, बट नहीं हुआ। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि फाइनल राउंड में बोल के कि वी हैव केप्ट योर प्रोफाइल ऑन होल्ड, ऐसे भी कर दी हैं। जो कि उस समय जो फेज था जब मैंने स्विच किया वो कोविड का था, तो उस समय बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी ऑफर लेटर्स रोल आउट करने में भी। कंपनीज भी बहुत टाइम तक पुश बैक कर रही थी, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। फाइनली विथ हार्ड वर्क एज वेल एज गॉड ग्रेस आई वॉज एबल टू लैंड ए गुड जॉब जॉइनिंग EY। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप कोई भी काम कर रहे हो। कभी कभी लोग बोलते हैं एक लक होता है, तो मुझे लगता है लक भी उन लोगों को लगता है जो लोग हार्डवर्क करते हैं। एंड बहुत डिफिकल्टीज होती है जब कंपनी चेंज करते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, कभी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होती। एंड हमारी ऑडियंस से जिन लोगों को भी डाउट है कि यार वो 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है उसे कैसे सर्व करते हैं, डिफिकल्टीज क्या होती है कंपनी साइड से, जैसे आपने इंफोसिस में 90 डेज के नोटिस पीरियड पे थे तो कंपनीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी या कम हो गई थी निकल से कि यार नहीं अभी थोड़ा कम काम देते हैं, नहीं बोला अभी तो ज्यादा काम देते हैं, 90 डेज बचे इसके ज्यादा काम निकाल लो, और कंपनी पॉलिटिक्स क्या होती है या नहीं होती उस टाइम पे कि नहीं यार इस बंदे को ना ये जा रहा है इसको ना सारा काम इसी को दे दो यही करेगा, क्या होता है उस ड्यूरेशन पे कैसे हैंडल करोगे? जी मैं पर्सनल जर्नी के बारे में बात करूँ तो जैसे ही मैंने पेपर डाला तो मैनेजर के कॉल आने शुरू हो गए, और जब मैं बोला कि मेरे को बेटर पैकेज बेटर कंपनी मिल रही है तो उन्होंने बहुत डिमोटिवेट करने के लिए मेरे को बोला अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस ही कितना है और अभी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा जो था वो उनका कहना उस समय बहुत गलत था जो कि मेरे फेस हुआ। और उसके बाद मैंने पेपर वापस नहीं लिया, मैं काम करता रहा और उन्होंने सच में ज़्यादा काम देना स्टार्ट कर दिया था। वो पर्सनल माइंडसेट होता है किसी किसी का, वो मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगा, और ऐसा होता है कि अगर आप पेपर किसी भी करंट कंपनी में डालो तो उन्हें थोड़ा सा बेकार लगता है और उस वजह से ज़्यादा काम असाइन किया जा सकता है आपको, बट आपको उसी टाइम ये दिमाग में रखना है वो काउंटडाउन आपको बना देना है, एक बेसिकली एक कैलेंडर जिसकी एक एक दिन आपको रोज क्रॉस करना है, तो वो आपको मोटिवेट करना चाहिए, डिफिकल्टीज तो आती जाती रहती है। करेक्ट, ये बात तो है। निखिल मुझे आपकी कॉलेज जर्नी के बारे में बात करना है जी। आपका कौन सा कॉलेज था, Tier 3 कॉलेज था, Tier 2 कॉलेज था, Tier 1 कॉलेज था, और वो मैटर करता है कंपनी में लैंड करने के लिए या नहीं करता, क्योंकि आपने कंपनीज के इंटरव्यूज दिए होंगे वहाँ पूछते हैं कि भैया आपका Tier 2 कॉलेज है, नहीं भाई आपको हायर नहीं करेंगे, आप Tier 1 कॉलेज में होने चाहिए, नहीं आप Tier 3 कॉलेज में हो आपको हायर नहीं करेंगे, आपको Tier 1 कॉलेज में होना चाहिए, मैटर करता है या नहीं करता है? बहुत सारी कंपनीज में करता है, जैसे कि जो टॉप कंपनीज हैं Big 3 हैं जैसे McKinsey है, Bain & Company है, ये सब कंपनीज में ये पर्टिकुलरली जॉब जो निकालती हैं उसमें मेंशन रहता है कि Tier 1 कॉलेज से ही कैंडिडेट चाहिए, और Tier 1 कॉलेज में भी उन्होंने कुछ ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट किया है वो वहीं से ही चाहिए उन्हें। सो बिल्कुल मैटर करता है, बट अगर आप जो कि कैंपस के थ्रू होते हो तो जो कंपनीज हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं इन्फोसिस विप्रो और ये सब आपको मौके देती हैं, बहुत सारे मौके देती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए ये बैरियर नहीं है। तो मैं आपके थ्रू आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हैं 2-4 कंपनीज, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कंपनीज जो टायर के हिसाब से डिवाइडेड की है मार्केट को वो हैं, बट उससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर 3 कंपनी ऐसी हैं जो कि ऐसा करती हैं तो 300 कंपनी ऐसी हैं जो कि हायर करती हैं, तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उस कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस हो, वो फ्रेशर में ही ये करती हैं, बट as you go and grow in your career you will of course you can land a job into that firms as well. Think correct, aapki baat sahi to hai, wo bahut zyada mentor bhi karta hai aur
ये चीज सही भी है। निखिल एक क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जब आप कॉलेज में थे, जैसे आपने पुलिस का इंटरव्यू क्लियर किया था, आपको कितनी कोडिंग आती थी कि या आपको कितना डीएसए आता था? स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो वहाँ पे 9th और 10th में जावा पढ़ाई जाती है, तो मेरे को उस लेवल की तो नहीं आती थी, बट जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं जावा में बनते हैं, जो कि पैलिंड्रोम, एडिंग टू नंबर, स्वैपिंग, ये सब 9th 10th में आते हैं, और ये सब चीज़ें हल्की सी आती थी। बट 11th 12th में मेरा गैप हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था, और जो कि मेरा कॉलेज था, आई वुड लाइक टू थैंक GLE यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हर एक सेमेस्टर में एक किसी ना किसी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को एनरोल किया था। उसमें मैंने एक एक चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके DSA या फिर सूडो बोर्ड लिखना या फिर बेसिक चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी। हाँ, उस लेवल की मेरे को कॉलेज में भी नहीं आती थी जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड भी था, क्योंकि मतलब स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा CS के सब्जेक्ट्स थे, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा मेरे लिए, ये कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल नहीं, ये इसकी तो श्योरिटी है, बहुत बेसिक लेवल का आता था। बस ये कह सकते हैं कि 100% अगर पूरा होता है तो मुझे सिर्फ 2% 3% ही आता था। DSA तो कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, और बेसिक लेवल का मैंने खुद से पढ़ा, इन्फोसिस में भी हल्का फुल्का जेनरिक में पढ़ाया गया था जो बेसिक चीज़ें हैं, और ख़ुद से ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि एज यू नो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो प्रॉपर CS के प्रॉपर सब्जेक्ट्स तो थे नहीं, बस हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का कोर्स कैरिकुलम बना रखा था कि बच्चे फेमिलियर रहें, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो बच्चे IT में जाना चाहते हैं उनके लिए एक तैयारी के रूप में उसको यूज़ किया जाए। तो ओके जी, अच्छा मुझे एक डाउट है जी, लाइक बहुत सारे फ्रेशर्स उनका क्वेश्चन रहता है, भैया मैं डेटा इंजीनियर बन तो जाऊँ, मेरा बनने का मन भी है जी, मैंने पूरा कोर्स कर लिया, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज तो निकलती नहीं है भैया, मैं कैसे हैंडल करूँ फेस? तो वैकेंसी का हम ऐसे कह सकते हैं कि वैकेंसी है मार्केट में। हाँ, मैं ये एक बात के लिए मान सकता हूँ कि फ्रेशर लेवल पे हो सकता है थोड़ी कम हो, और अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट हो गया है तो इट्स ए प्लस। तो आपको तरीके से अप्लाई करना सीखना होगा, वैकेंसी बहुत हैं और फ्रेशर की भी हैं। मे बी आपको डेटा इंजीनियर बनने से पहले अगर आपको डेटा एनालिस्ट की भी जॉब मिलती है तो उसे आप लें, क्योंकि वो आपकी एक सीढ़ी हो सकती है डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में घुसने के लिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर आप डेटा इंजीनियर बन के भी वही काम करोगे, सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ना अलग होता है और काम करना उस फील्ड में अलग होता है। तो अगर आपको डेटा एनालिस्ट की भी जॉब मिलती है, अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आना, तो आप उसको ग्रैब करो और उसी का एड ऑन करके आप और स्किल्स सीख के डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ घुस सकते। ओके, एंड कहाँ से सर्च करें? लिंक्डइन के थ्रू या naukri.com के थ्रू या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पे भी रजिस्टर करके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो लगता है वो लिंक्डइन लगता है, वहाँ पे आप सोशलाइज कर सकते हो, आप HR रिक्रूटर्स को सर्च कर करके ऐड कर सकते हो, सबको, छोटे फॉर्म्स के भी, बड़े फॉर्म्स के भी, जो भी मिल रहे हैं सबको भेजते रहो। एक लिमिट है शायद लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट या कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की, उसको एक्सीड करो, खूब सारे HRs को ऐड करो, वो लोग डालते रहते हैं कि उनकी कंपनीज में कुछ वैकेंसी है, उनको ईमेल अपना फॉरवर्ड करो, ये एक सबसे, उनको चैट करो, उनसे बात करो, उस लिंक्डइन जॉब्स पे अप्लाई करो। और नौकरी का जो मैं बोल सकता हूँ वो प्रोफाइल रोज़ सुबह सुबह अपडेट करो। अपडेट करने से क्या होता है, नौकरी प्रोफाइल को आपकी CV हमेशा टॉप लिस्ट रहती है, तो समझ लो कभी HR रिक्रूटर आपको सर्च करता है स्किल सेट के साथ तो आपका प्रोफाइल ऊपर में आएगा, सो दैट ही कैन टेक यू आउट, सेलेक्ट योर CV। करेक्ट, ये बात सही भी है। जब भी आप नौकरी वाले को प्रोफाइल बना दे नौकरी.com पे,
तो अपनी प्रोफाइल को कहीं ना कहीं जाना अपडेट करते रहो, जिससे वो सर्च में सबसे ऊपर आ जाते, इनका रैंक बन जाता है। जैसे आपने एनालिस्ट की बात की थी, हमारी मोस्टली ऑडियंस का डाउट रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस? करेक्ट। सो जो डेटा एनालिस्ट का काम रहता है वो डेटा को, जैसे कि वर्ड इटसेल्फ बताता है, एनालाइज करना होता है। तो जो भी फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है, वो जैसे एक्सेल में है, तो एक सॉर्ट ऑफ की बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि उसे एक रिपोर्ट चाहिए उस डेटा के थ्रू कि वो अपना सेल्स प्रेडिक्ट कर सके या फिर फोरकास्ट कर सके। तो ये सब जो काम रहता है उसको एक डेटा एनालिस्ट करता है। उसका जो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स यूज्ड हैं वो या फिर लैंग्वेज यूज्ड है वो SQL हो सकते हैं और Notepad++ हो सकता है और एक एक्सेल हो सकता है। एक्सेल, ये तीन चीज़ों की आपको नॉलेज आना चाहिए, आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे और आपको थोड़ा सा स्किल सेट इसके एड ऑन, मतलब अच्छे से कैसे करते हैं वो थोड़ा लर्नेबिलिटी लानी पड़ेगी। और दूसरा है डेटा इंजीनियरिंग, उसमें आपका ETL थोड़ा आ जाता है कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो कि अवेलेबल हैं, डिफरेंट सोर्सेस में अवेलेबल हैं, उसको लेना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना है बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे समझ लो कोई भी 10 कॉलम है कुछ किसी का है, उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, उसको ज्वाइन करना है, तमाम जगह तमाम फाइल्स में डेटा होते हैं, तमाम टेबल्स में डेटा होते हैं, सबको गैदर करना है तो वो, और उसको लोड करना है। तो ये जो काम रहता है वो डेटा इंजीनियरिंग का रहता है। और जो तीसरा था मशीन लर्निंग, ये एक तरह से, हाँ, तो डेटा साइंस जो है वो इसका अपर वर्जन है। उसमें बेसिकली प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स भी आ जाता है, प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है। तो डेटा साइंस में बेसिकली हम अगर बात करें तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं और उससे प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग और तमाम चीज़ें हम उस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। जो डेटा साइंस होता है उसमें ये सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं, प्लस आपको मैथमेटिक्स की भी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती हैं, प्लस आपको इसके लिए एक टू रनिंग लैंग्वेज भी चाहिए। आप आर ले लो या PySpark ले लो या पाइथन ले लो, तो ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती हैं। उसमें स्किल सेट बहुत वास्ट हो जाता है और डेटा साइंस एज यू नो इज वेरी इमर्जिंग फील्ड, तो इस डेटा साइंस में तो कितनी भी स्किल सेट चाहिए सब लग जाती है। डेटा साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो मतलब कह सकते हैं एक साइकिल की बेसिस पे चलता है, पहले डेटा एनालिस्ट आना चाहिए, करेक्ट, डेटा, फिर डेटा आपका डेटा इंजीनियरिंग एंड देन उसके बाद डेटा साइंस, करेक्ट। मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है? डिमांड की बात करें, जैसे कि AI हमारा बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आजकल हमें अगर हम बात करें तो डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है और डेटा इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेटा एनालिटिक्स थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि हमारी जो जनरेटिव AI जो आ चुकी है वो सब काम कर सकती है। एक ChatGPT 4 में एक एड ऑन है, वो है Dell E3, एक इम्पोर्ट कर सकते हैं, उससे आप पूरा डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। आप कोई भी फाइल अपलोड करके उसका समरी ले सकते हो कोई भी एक्सेल फॉर्मेट में, मतलब डेटा एनालिटिक्स का जो काम है वो ChatGPT 4 कर सकता है। बट आपको ये नहीं लगता कोई कंपनी अपना डेटा ChatGPT को क्यों देगा? जी, तो दैट इज़ ट्रू। सो इसके लिए भी ChatGPT के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं जो कि कंपनी ओन्ड भी रहेंगे, as you know, जो कि जो डेटा सेंटर्स है वो कंपनी ओन्ड रहेंगे। तो इसके लिए भी ChatGPT काम कर रहा है, और तो डेटा उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा जो उसका प्री ओन्ड डेटा है। तो आने वाले समय में इसका भी है डिमांड, बट हाँ अभी के लिए एज पर सिक्योरिटी ब्रीच एंड प्राइवेसी इश्यूज अभी के लिए, या दैट इज़ ट्रू कि कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर हिज डेटा विद। अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग का डिमांड कितना रहने वाला है आफ्टर 5 ईयर,
कि कोई अदर टूल आएगा या फिर उसे रिप्लेस करने चला जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, जिसका फ्यूचर है अच्छा खासा 10 साल तक या 15 साल तक? नहीं कि यार तो अब चेंज हो सकता है फ्यूचर, और भी चीज़ें आएंगी, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, तो आपके विचार क्या है इस पर? डेटा इंजीनियरिंग विल नेवर एंड बिकॉज डेटा इज एवरीवेयर, इट इज ऑलवेज इन स्कोप एंड इज ऑलवेज विल बी इन स्कोप. ओके, हाँ सॉफ्टवेयर लेवल पे अपडेट आ सकता है, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का कुछ है तो कल हो सकता है किसी दूसरी कंपनी का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आ जाए, उसको वो रिप्लेस कर दे. बट एज यू नो एक्सपीरियंस जितना आपको रहेगा वो दूसरी मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर में भी वो यूटिलाइज किया जा सकता है. सो डेटा इंजीनियरिंग का स्कोप हमेशा रहेगा, उसको अगर आपको करियर बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हो. अपग्रेड डाउनग्रेड होते रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं ये प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि 15 साल तक सेम जो मैं स्किल पे काम कर रहा हूँ वही रहेगी, बट हाँ डोमेन रहेगा, सॉफ्टवेयर बदल सकता. आफ्टर 5 ईयर डेटा इंजीनियर की सैलरी कितनी हो जाएगी अगर वो 2 या 3 कंपनी चेंज कर देता है? मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन एक्सपेक्ट 2 या 3 कंपनी जो भी है 20+ तो रहेगी ही. तो फिर आफ्टर 5 ईयर तो अच्छा डिसेंट अमाउंट है, मतलब अच्छा पैकेज है अगर आपको 5 ईयर बाद अच्छा पैकेज मिल जाता है तो. जी नहीं, काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है. तो निखिल आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए कि भाई ये कर लो आप लोग, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा? जी बिल्कुल, फ्यूचर सेट करने के लिए आप जो भी करियर अपना चूज करना चाहो, आप डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहो जिसमें मैं हूँ उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, अगर आपको चूज़ करना है तो बिल्कुल आप इस फील्ड में आ सकते हो. किसी भी हेल्प के लिए आप बिल्कुल गौरव के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. और ये इमर्जिंग फील्ड है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, बहुत सारी डिमांड्स हैं क्योंकि डेटा कभी ख़त्म नहीं होगा और इसमें आप एक अच्छा करियर इमेजिन कर सकते. निखिल आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा एंड हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है जो डेटा इंजीनियर फील्ड में जाने वाले हैं. बहुत सारे कमेंट्स आते थे निखिल इस वीडियोस पे मेरे कि भैया डेटा इंजीनियर के लिए एक पॉडकास्ट लेके आओ, हमें इस फील्ड में जाना है. तो फाइनली वो दिन आ गया, निखिल ने सारी इनसाइट्स मुझे प्रोवाइड करा दी इस पॉडकास्ट के थ्रू और हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल हमारे चैनल पर आने के लिए. Thank you, Gaurav, for giving me this platform. Bye. Good day, audience. Bye. Thank you, Gaurav. Thank you, Nikhil. And audience, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इस पॉडकास्ट में. निखिल की LinkedIn ID में मैंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आप कोई भी डाउट होता है निखिल से कनेक्ट हो सकते हो उनके LinkedIn पे जाके, वहाँ पर उनसे बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस प्रोफाइल से रिलेटेड. और आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो निखिल को जब टाइम मिलेगा डेफिनेटली वो इस कमेंट का रिप्लाई करेंगे. एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल. थैंक यू गौरव. थैंक यू ऑडियंस. बाय बाय.